ग्रेडियंट टूल जो है वो टेक्स्ट से क्विकली देख लेते हैं, कल भी हमने देखा तो आज भी इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये सी के ऊपर हम अप्लाई करके देख लेते हैं वो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल, ग्रेडियंट टूल जो है वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये अभी हम इसका करते हैं, ग्रेडियंट टूल आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आप देखें इधर ग्रेडियंट लें, आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल आप स्ट्रेट करें, स्ट्रेट जो है ड्रा करें, स्ट्रेट अप्लाई करें तो कंट्रोल प्रेस करें और ये सेंटर से आप इसको ड्रा करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इस तरह ऊपर से नीचे करना चाह रहे हैं आप तो ऊपर से नीचे आप किस तरह अप्लाई करेंगे, मतलब आपका जो इफेक्ट है ब्लैक है और जो भी कलर यूज़ हो रहा है आपका, ऊपर से नीचे की जानब हो तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह नीचे से ऊपर आप चाह रहे हैं अप्लाई करना तो वो आप ऊपर की जानब ड्रा कर सकते हैं, ये इफेक्ट जो है आपके इसी तरह रिवर्स होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह राइट से लेफ्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरह होगा। ठीक है, ये जो सी भी आप इसकी डायरेक्शन सेलेक्ट करें वो हो सकती है, अभी मैं इसको लेफ़्ट से राइट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट से राइट अप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपको ऊपर जो हैंडल नज़र आ रहा है वो काफ़ी ऊपर चला गया, उसको भी आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो कलर्स हैं, एक ब्लैक और ये एंड पे वाइट। ठीक है, ये इसको कुछ चेंज करना चाहिए आपकी सिंपल है बिल्कुल ग्रेडियंट इफेक्ट, इसको हम चेंज करना चाहें, कलर को चेंज करना चाहें तो इधर से हम चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर रखना चाहें, इस वाइट वाले को चेंज करना चाहें इसको चेंज कर दें तो ये इसी तरह आपका इफेक्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये कलर के ऊपर क्लिक करें तो आपको आगे इसकी ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंसी को कैसे यूज़ करना है इसकी वैल्यू आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा करते जाएंगे उतनी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है इफेक्ट होगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। ये अभी हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये देखें इसकी विजिबिलिटी भी उसी तरह कम हो रही है। ठीक है, ये देखें इसी तरह दूसरे कलर भी देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, ये देखें इसकी ज़्यादा करेंगे कम करेंगे तो इसी तरह ये इफेक्ट हो रहा है, इसकी विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जिस तरह ओपेसिटी का हमने कंसेप्ट देखा था ये भी उसी तरह ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह इसके बाद देखते हैं इसमें हमने ये भी दो कलर हमें नज़र आ रहे हैं, ये रेड ट्रांसपेरेंसी जो हमें कम कर इस वाले में, ये अभी हमें आ रहा है दो कलर नज़र आ रहे हैं रेड और लास्ट पे ब्लैक, इसमें थर्ड कलर कैसे ऐड करेंगे, जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है इसको डबल क्लिक कर लें और इधर आके आप थर्ड कलर ऐड कर सकते हैं। अभी हम थर्ड जो है कोई सा भी ऐड कर लेते हैं, ये ब्लू मैं कर रहा हूँ, मेरी ब्लू डार्क ब्लू। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं ये थर्ड कलर इधर ऐड हो गया, इसी तरह कोई और कलर ऐड करना चाहें फोर्थ तो वो आप ऐड कर देंगे क्विकली। ठीक है, ये आपका फोर्थ कलर ऐड हो गया, इसी तरह इस कलर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, अभी तीन कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको आप क्लिक कर दें आके डबल क्लिक तो वो आपका कलर डिलीट हो जाएगा। अभी इसको आपने यूज़ करना है, इसका डिस्टेंस आपने देखना है कि रेड से ग्रीन का कितना होना चाहिए, इसकी मिक्सिंग कैसे होनी चाहिए, वो आप इसको इधर से भी ड्रा कर सकते हैं या जो आपको ये एरो हेड नज़र आ रही है इसको पकड़ के भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे या ज़्यादा उसी तरह इसका इफेक्ट भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी हम इसको ज़्यादा करें, अगर सारे कलर जो हैं मिक्सिंग में नज़र आए हमें और स्टार्ट से एंड तक जाएं। ठीक है, इसी तरह कलर ऐड करने के डिफरेंट वेज हैं, आप इधर से भी कोई कलर ड्रा कर सकते हैं ये लाइन के ऊपर। ठीक है, ये रेड कलर हमने ड्रा किया, कैसे किया, ये कोई सा भी आप कलर हैं, ये सपोज मैं ब्लू ले रहा हूँ, इसको ले कर ड्रा करें लाइन के ऊपर आगे इसको छोड़ दें, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा आपका कलर। इसी तरह कोई और कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं इधर से अपने कलर पैलेट से ऊपर लेके आएँ, जब प्लस का साइन बन जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इनका डिस्टेंस आपने कम ज़्यादा करना है। ठीक है, कि आपका जो ग्रीन और ब्लू बिल्कुल साथ साथ स्टार्ट हो रहे हों
ये देखेंगे दोनों बिल्कुल डिस्टेंस कम हो गया, इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था कि कलर आपने ऐड कैसे करना है ग्रेडियंट के अंदर और डिलीट कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह आपको आपने किसी और डायरेक्शन की तरफ इसका जो है शेड किसी और डायरेक्शन में स्टार्ट हो वो आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। जो आपका एरो नज़र आ रहा है आप इसको भी रोटेट करेंगे तो कलर इफेक्ट भी आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, फिर आप इसको नीचे की जानब लेके आए, उसी तरह आपका कलर जो है वो भी मूव कर रहे हैं। ये हैंडल को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, इसी तरह आपके कलर जो हैं वो भी मूव करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे, अभी मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके ये हो गया कि एक सिंपल हमने ग्रेडियंट लिया था उसके अंदर कलर जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी कलर को ऐड कैसे करना है डिलीट कैसे करना है वो हमने देखा या रोटेट कैसे करना है। अभी हम ऊपर की जानी जाएँ तो ये यहाँ पे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फिल आ रहा है, यूनिफॉर्म फिल क्या है वो सॉलिड कलर भी हैं इसमें जिस तरह हम इसको पैक करते हैं। ठीक है, ये एक सॉलिड कलर हो जाएगा। ठीक है, एक ही कलर, ये दोबारा जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है, सॉलिड कलर एक ही आपका कलर कर देगा। इस तरह जो अभी फाउंटेन फील है जो अभी हम यूज़ कर रहे थे ये फाउंटेन फील है, उसमें ग्रेडियंट शेड्स हैं सारी, ये लिखा भी हुआ अप्लाई है ग्रेडियंट ऑफ कलर फॉर शेड्स। ठीक है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ये अभी हमने किया हुआ है बेसिकली अप्लाई। इसके अंदर कलर चेंज करने की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, इधर से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई सा भी आप ये देखें किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करें, ये मैं अभी रेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी कलर चेंज करने की ऑप्शन यहाँ पे भी आ रही है और ये आपको इधर भी शो हो रही है। ठीक है, आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी करना चाहें आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आ रही है उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ईजी मैथड है वो यही है, आपने कोई भी चेंज करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करें तो ऊपर भी आपको शो हो जाएगा कलर आपने जो सा भी चेंज करना। ठीक है, इस तरह ये इसके डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, उनको हम वन बाई वन देखते हैं वो कैसे यूज होंगे। ठीक है, अच्छा अभी चलते हैं हम आगे, जो वेक्टर पैटर्न है और बिट मैप पैटर्न हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं। ये देखिए, अभी हमने एक वेक्टर पैटर्न करना है अप्लाई, इस पर क्लिक करें तो इस तरह के वेक्टर पैटर्न बन गए हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया, ये पैटर्न बन गए हैं, इधर डिफरेंट पैटर्न हैं उनको ये आप देखें यूज करके, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इनको थोड़ा काम ये ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इनका इफेक्ट भी इसी तरह चेंज होता जाएगा, जिस तरह हम इसको ड्रैग करेंगे एरो को इसी तरह इसका इफेक्ट भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, पैटर्न का। ठीक है, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं, इस तरह और पैटर्न है बहुत सारे इधर, उनको यूज़ करें, इनकी जो है इफेक्ट वो कम या ज़्यादा करके देखें। ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, उनके थ्रू ये होगा चेंज, कलर स्कीम चेंज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रहे हैं कलर। ठीक है, तीन कलर यूज़ हो रहे हैं इसमें, वो कैसे कम या ज़्यादा हो रहे हैं वो आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई और पैटर्न यूज़ करें हम, ये पैटर्न यूज़ किया हुआ क्या इसमें हम कलर ऐड कर सकते हैं? ठीक है, वेट करें दादा, इस तरह ये आप डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इनको इफेक्ट इधर से कंट्रोल आप करना कि किस तरह आपके शो होने चाहिए। इसी तरह अब इसकी कोई और सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है वेक्टर पैटर्न, ये लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो शो हो जाएंगी। ठीक है, इसको कैसे करना है कम या ज़्यादा या इफेक्ट चेंज करना, ये इसकी सारी आपको सेटिंग नज़र आ रही है। ये अगर इसकी वैल्यूज यहाँ से चेंज करें, हम थोड़ी सी चेंज करके देख लेते हैं, ये जो इसका पैटर्न बना है इसमें बेसिकली चेंजेस आएगी, ये सारी जो आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं इसकी चेंजेस नज़र आएंगी यहाँ पर आपको।
फिर इसी तरह इनके रेलिवेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू आप कम या ज़्यादा करें तो इधर आप एक बार देखें, इधर से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उधर से पैटर्न जो है उसकी भी विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। ये लिखा भी हुआ है फिल विड्थ, नीचे आए तो ये फिल हाइट लिखा हुआ है। ये देखें जैसे वैल्यू चेंज करते जाएँ उधर आपका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू है इनको चेंज करें, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है इनकी वो इधर से कंट्रोल होनी है और ये वर्टिकल पोजीशन है, ये देखें, ठीक है। इस तरह आप इधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप इसकी सेटिंग रखना चाहें। पैटर्न का बेसिकली जो है मीनिंग भी यही है कि मतलब डिफरेंट कम्बिनेशन हैं उनके थ्रू कोई आपको इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ आपका पैटर्न है तो आपने उसको कंट्रोल करना है, और इधर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास, जैसे मर्जी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं इधर से, ठीक है। इसको ओके करते हैं तो यही सेटिंग रहेगी और ये इस तरह आपको इफेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। बाकी भी इसी तरह इसके दिए हुए हैं, तो अभी हम चलते हैं ये बिटमैप पैटर्न की तरफ। ये क्या चीज़ है ये देखें, ये भी उसी से मिलता जुलता ही है। इसका इफेक्ट अगर हम चेंज करके देखें, ठीक है, ये बिटमैप पैटर्न है। इसके डिफरेंट पैटर्न हमारे पास इधर अवेलेबल हैं, कोई डार्क कलर का ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ग्रीनिश, ठीक है। तो इसी तरह इसके इफेक्ट जो हैं वो चेंज करने हैं, इसकी विड्थ कंट्रोल करनी है, हाइट कंट्रोल करनी है आपने, वो कैसे करनी है वो भी इधर से देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी ये हॉरिजॉन्टल विड्थ है, फिल विड्थ है, ये इधर से अगर हम देखें, अगर ये देखें साथ अपना पैटर्न देखें जो आपने अप्लाई किया हो टेक्स्ट के ऊपर, वो भी चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। चलो ये नीचे आए इधर से, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसकी सेटिंग इधर से आप चेंज कर लें, ये चीज़ें आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसको क्लिक करें तो वही पैटर्न जो आपको ऊपर शो हो रहे हैं इधर भी वही शो हो रहे हैं, उनकी भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसी तरह। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब किस डायरेक्शन में कितनी लाइन और विड्थ में या कितनी हाइट और विड्थ में आपके पैटर्न शो होने हैं वो सारा आप इधर से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये है पैटर्न का। इसके बाद अगर आगे चलें तो हमें टू कलर पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं टू कलर, ये रहेंगे टू कलर भी, ये ग्रेडियंट के अंदर ही है, रहेंगे टू कलर लेकिन सेपरेट बिल्कुल। जिस तरह सिंपल हमने फॉन्ट फिल में देखा था, फाउंटेन फिल में, कि वो मिक्सचर था, कलर कम्बिनेशन मिक्स हो रहे थे, लेकिन इधर कलर होंगे लेकिन बिल्कुल सेपरेट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये आपको ऊपर शो भी हो रहा है कि ये आपका ग्रीन कलर है, ठीक है। और इसके साथ आगे देखें तो ये वाला जो है आपको दूसरा कलर नज़र आ रहा है जो ब्लैक है, ठीक है। इसी तरह इसकी देखें अगर, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। तो ये था वन बाय वन हमने देखा, सबसे पहले सिंपल यूनिफॉर्म फिल सॉलिड कलर, उसके बाद ग्रेडियंट जो फाउंटेन फिल है, उसके बाद दो पैटर्न देखे, उसके बाद टू फिल पैटर्न देखा, तो उनको कलर जिनके चेंज कैसे करने हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसे कंट्रोल की करनी है, वो हमने वन बाय वन देखा। तो अभी हम चलते हैं दोबारा फाउंटेन फिल की तरफ। फाउंटेन फिल में जाएँ तो इसमें मज़ीद जो ऑप्शन हम देखते हैं, ठीक है। फाउंटेन फिल में जाएँ तो आगे चले जाएँ इधर से कलर से निकल के, ये आगे हम जाएँ तो इधर लिखा हुआ है लीनियर फाउंटेन फिल। लीनियर फाउंटेन फिल क्या है, जो अभी इधर अप्लाई हुआ पड़ा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, लीनियर क्या है, जो अभी आपके पास अप्लाई है एक लाइन के अंदर शेड आपको नज़र आ रही है, ये आपका लीनियर फिल है, मतलब किसी एक डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, बॉटम टॉप टॉप बॉटम, ये आपकी लीनियर फिलिंग है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली अप्लाई हुई है इधर, उसके बाद आगे जाएँ तो ये लिखा हुआ है
एलिप्टिकल फाउंटेन पेन, ये क्या एलिप्टिकल, ये इसको करें अगर आप लिप तो जिस तरह वो आपकी ओरल शेप होती है ना, जिस तरह एग की शेप होती है उस तरह की ये फीलिंग है, ठीक है। ये अगर इधर से देखें जिस तरह मतलब सर्कल को फील करने के लिए ये ज़्यादातर यूज होता है, सर्कल में कलर करने के लिए ग्रेडियंट कलर। ये आप इधर इसका देखें हैंडल और बाकी कलर मिक्सिंग उसी तरह बिल्कुल, ठीक है। रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी किसी शेप के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया है फोनिकल फाउंटेन, ये अगर देखें तो इसका है कि किसी भी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर है ये, ठीक है। ये आपके कलर अप्लाई हुए हैं बिल्कुल इसके ऊपर ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4 कलर ही अप्लाई हैं इस शेप के अंदर, कॉनिकल शेप के अंदर। इसमें कोई आप कलर ऐड करना चाहें वो इसी तरह आप डबल क्लिक करें तो इधर भी आप कलर ऐड कर सकते हैं। ये जो अभी हमने ऐड किया इसको चेंज करके देखें, इसका इफेक्ट जो है ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई इधर से आप पैलेट से कलर पैलेट से ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर, ये मैंने किया है, जितने चाहें आप इधर ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनका इफेक्ट देखें आपके टेक्स्ट के ऊपर, वो भी चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, ये हम वन बाई वन कर सकते हैं। इसी तरह इधर से चेंज करना हो वो सेटिंग वही बिल्कुल, डिलीट करना हो डबल क्लिक डिलीट हो जाएगा। तो इसको किसी भी डायरेक्शन में आपने मूव करवाना हो वो आप करवा सकते हैं, इधर से करना हो, ठीक है। ये देखें इस तरह इनको आप रोटेट करवा सकते हैं जैसे आप चाहें, जैसे भी आप शेड देना चाहें वो आप कर सकते हैं, या इसका इफेक्ट किसी एंगल से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अपने इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जाएं तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन है, ये देखें रेक्टेंगल जिस तरह आपकी होती है रेक्टेंगुलर फाउंटेन, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ये आपकी रेक्टेंगल सी एक बन भी गई है तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ही रहेगा आपका, ठीक है। इसको आप मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल के ऊपर लेकिन रहेंगे इफेक्ट आपके रेक्टेंगल के अंदर ही, ठीक है। इसको जूम आउट कर रहा हूँ, इसको आप हैंडल को पकड़े तो ये देखें आपको रेक्टेंगल एक बाहर नज़र भी आ रही होगी, इफेक्ट भी आपके इसी तरह नज़र आएंगे। अगर इसको मैं बिल्कुल करीब करता हूँ पास तो ये भी उसी तरह चेंज हो गए आपके, ठीक है। तो ये सेटिंग है डिफरेंट एंगल से ग्रेडियंट अप्लाई करना, उसमें कलर्स ऐड करना, ठीक है। किसी स्पेसिफिक एंगल से ग्रेडियंट अप्लाई हो आपका, ठीक है, उसकी मिक्सिंग जो है किसी एंगल से स्टार्ट हो दूसरे पे ख़त्म हो रेक्टेंगल फॉर्म में हो, ये सारे उसके ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। लीनियर की तरह ही जाते हैं, हम लीनियर ही यूज़ करते हैं और इसकी आगे जो सेटिंग है वो भी देखते हैं सारे ऑप्शंस। ठीक है, लीनियर ही हम सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, अच्छा। अभी टेक्स्ट के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, इतना ही इफेक्ट है। अभी कोई शेप ले ले रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट जो हम ड्रा करते हैं उसके लिए देखते हैं कि इफेक्ट कैसे अप्लाई करने हैं। तो उसके बाद कोई सी ग्रेडियंट कलर को हमने कॉपी करके दूसरे के ऊपर कैसे अप्लाई करना है या अपना खुद से ग्रेडियंट बनाने हैं वो कैसे करने हैं वो क्विकली देख लेते हैं। तो अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन है कोई वो भी ले लेते हैं, ये क्लियर है सबको यहाँ तक। तो ये अभी हम बढ़ते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल उसी तरह ग्रेडियंट इफेक्ट जो है शेप के ऊपर जिस तरह हमने अभी टेक्स्ट के ऊपर देखा है, ठीक है। कोई सी भी आप इधर से शेप ड्रा करने में अभी एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना है बिल्कुल उसी तरह आप
जिस डायरेक्शन से आप करना चाह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। मैं लेफ्ट टू राइट जाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट अप्लाई कर दूँ। हैंडल इसका थोड़ा छोटा, ठीक है। इसी तरह किसी और डायरेक्शन से राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अभी हम लेफ्ट से राइट ही जाते हैं। इसका हैंडल जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसमें इफेक्ट्स हैं, कोई कलर आपने ऐड करना है वो कैसे करना है, ठीक है। कलर चेंज करना है वो आप इसके डिफरेंट वेज हैं कलर चेंज करने के, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर से आगे कर लें चेंज, इसके डिफरेंट कलर्स हैं आप चेंज कर सकते हैं। या कोई थर्ड कलर ऐड करना चाह रहे हैं या इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं ऐड, ठीक है। डबल क्लिक करके ऐड कर लेंगे। इधर से कोई सा भी कलर आप ड्रैग भी कर सकते हैं अपनी लाइन के ऊपर, ठीक है। जो आपको कलर लाइन नज़र आ रही है, सही है। इसी तरह इसका इफेक्ट आप चेंज करना चाहें, वो कलर मिक्सिंग करना चाहें। ये देखिए अभी रेड क्यों नहीं आया, क्योंकि रेड जो है इसकी बाउंड्री से बहुत ज़्यादा बाहर निकला, इसलिए रेड इफेक्ट हमें नज़र नहीं आया। तो इसको थोड़ा पास करेंगे तो ये रेड भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इधर से मिक्सिंग करनी हो आपने वो भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है किसी भी शेप के ऊपर, बाकी इसकी चीज़ें वही हैं जिस तरह अभी हमने देखा है टेक्स्ट के ऊपर वन बाई वन, जिस तरह फाउंटेन फिल, उसके बाद दो पैटर्न्स, ये टू कलर पैटर्न, और इसके बाद लीनियर, एलिप्टिकल और कॉनिकल, फिर इसके बाद आपके पास रेक्टेंगुलर। ये हमने वन बाई वन देख लिया, अगर किसी को समझ ना हो तो वो पूछ ही सकते हैं। इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह इसका इफेक्ट अप्लाई होना, तो वो भी इसलिए हम दोबारा से नहीं कर रहे। तो इसके बाद है कि आपने ये कलर ले लिया हुआ है, ठीक है, आपका ये वाला कलर है, इसको किसी दूसरी शेप के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा साइड पर कर रहा हूँ, किसी और रेक्टेंगल ली है, कोई और रेक्टेंगल उसके ऊपर कैसे इफेक्ट अप्लाई करेंगे। रेक्टेंगल ले लें या कोई और शेप ले लें, अभी मैं चले सर्कल ले लेता हूँ, एलिप्स या रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। इसके ऊपर ये सेम इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये इसको कोई सा भी स्टार में कोई सा भी दे दें इसको कलर, यही दे लेते हैं। उसके बाद आप आए इधर, तो ये आपके पास लिखा हुआ है, किधर गया इसका, काफी फील ऑप्शन है इधर हमारे पास, शो नहीं हो रहा है। अच्छा ये आ गया इसका, ये आपने पहले वो हमारे पास लाइट सेटिंग थी ओपन, इसलिए वो शो नहीं था हो रहा ऊपर। तो अभी आ गया हमारे पास ये ऑप्शन है इधर कॉपी फिल, ठीक है। कॉपी फिल है वो आपने कैसे करना है, कॉपी फिल करेंगे एक बार इसको सिलेक्ट कर लें, पहले आपकी ये सिलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये कॉपी फिल, सॉरी ये वाला कॉपी फिल है, इसको जाएं इधर, तो एक बार इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जो आपका है लेफ्ट क्लिक, तो ये आपका कलर जो है सेम वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा दूसरी शेप के ऊपर। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक रेक्टेंगल ली या सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल ही है, इसके ऊपर मैंने वही इफेक्ट अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले ये देखें हमारे पास सिंपल फिल था, कोई सा भी ग्रेडियंट इसके अंदर था। तो अभी हमने ये वाला अप्लाई करना है जो हमने पहले बनाया हुआ कलरफुल, फोर कलर है इसमें, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है। वो सेम इधर लेके आने हैं, वो कैसे करेंगे, एक तो सोल्यूशन ये है कि आप इसको सेव कर लें अपने ट्रे के अंदर, सेव करें इसको, उधर से कॉपी कर दें, अप्लाई कर दें। दूसरा मेथड ये है, डिफरेंट वेज है, आई ड्रॉपर से भी आप कर सकते हैं फिल, ठीक है। और इसी तरह इसको कॉपी करना चाहें डायरेक्टली,
वो भी आप कर सकते हैं। इधर से कलर फिल लिया, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है एडिट फिल का ऑप्शन भी। दूसरी शेड में करना अप्लाई तो पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉपी आ रहा है, एडिट फिल आ रहा है साथ इसके कॉपी फिल, इसको क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक अपने माउस से तो दूसरी शेड के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगी। सेम इफेक्ट, सेम सेटिंग, हर चीज़ वही सेम एसिटी के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी। ये था कि हमने कलर को कॉपी कैसे करना है अपने ग्रेडियंट को, ठीक है। इधर एक और ऑप्शन आ गया आपको नज़र आ रही है एडिट फिल की। एडिट फिल में वही है, आपने कलर चेंज करने हैं कोई सा भी, इसकी डिफरेंट सेटिंग इधर ओपन होगी आपके पास। ये देखें इसको साइड पे करते हैं तो ये वही नीचे आपको पैटर्न शो हो रहा है ग्रेडियंट जो आपके ऊपर शो हो रहा था, जो पैटर्न आपकी रेक्टेंगल पे था, जो कलर स्कीम रेक्टेंगल पे थी, जो इधर भी शो हो रही है, इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उधर से करें वो ज़्यादा ईजी है आप सेटिंग को ओपन करने के लिए। बाकी और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये वही है इधर की हाइट वेट वो कैसे कंट्रोल करनी है सारी चीज़ें इधर, ये देखें, ठीक है। आप इनको ड्रैग करके कर लें, इधर से आप मैनुअली वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं, ये डिफरेंस हैं आप। बाकी पैटर्न इधर ही पड़े हुए हैं, ब्लेंडिंग ट्रांजिशन टाइप कोई टाइप जो ऊपर हमने पढ़ी है, फॉर लीनियर फाउंटेन, एलिप्टिकल, कॉनिकल और रेक्टेंगुलर, ये वही चीज़ें हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं और इसमें क्या है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, हाँ जी, ये एडिट फील्ड का है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, उसको डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगी आपके पास। अभी आप माइक म्यूट कर लें, ठीक है। इसके बाद एक और है हमारे पास, अच्छा ये आपका जो है इधर को फिलहाल लेफ्ट से राइट आपकी कलरिंग स्कीम आपको नज़र आ रही है, इसे रिवर्स करना चाहें तो हमारे पास रिवर्स फील भी अवेलेबल है। इसको रिवर्स करेंगे तो आपकी जो ग्रेडियंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। बाकी ये अच्छा आगे इसने दी हुई हैं डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल, ये टाइप्स हैं इसकी फिल करने की, डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल करनी है या कौन सी करनी है। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल, ठीक है। इसके बाद है रिपीट है मिरर और उसके बाद सिंपल रिपीट, ये क्या चीज़ें हैं। ये अगर सेकेंड को हम क्लिक करें रिपीट एंड मिरर को तो ये हम देखेंगे अभी वन बाई वन कि ये क्या चीज़ें हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो ये इसमें ना जो कलर मिक्सिंग हुए हैं, जिस तरह ये ग्रीन कलर्स हैं इसमें डिफरेंट जो है हमें शेड्स नज़र आए हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं वैल्यू चेंज करूं, ठीक है, ये इसमें हमें लाइनिंग सी नज़र आ जाएगी। अभी इतना ज़्यादा जूम नहीं किया हुआ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये आपका ग्रीन कलर है, ये सिलेक्टेड है, इसी की वैल्यू चेंज होगी। ये अगर आप देखें शायद आपको नज़र आ रही है नहीं, स्क्रीन शेयर दी है, ये इसमें लाइनिंग ज़्यादा हो रही है, ये आप देखें लाइनिंग इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। इसको थोड़ा सा और करें तो ये देखें अलग अलग लाइन सी बन गई है, ठीक है। इसी तरह इस कलर को अगर चेंज करूँ, ठीक है, तो इसकी देखें इफेक्ट जो है ये भी इसी तरह होगा कि इसमें लाइनिंग शो हो जाएंगी, लाइनें सी बन जाएंगी, ठीक है। ये अलग अलग सा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाला देखें रिपीट, तो आपके कलर जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये किसी फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको मैं जूम आउट करूँ, ये देखें कलर्स आपके इधर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कैसे, ये अप्लाई किया है पहले, देखते हैं अप्लाई करने से पहले कैसा रहा, इस तरह। तो अगर इसको कलर रिपीट ऑप्शन पे हम जाते हैं उधर से क्या होगा, ये कलर जो है आपका पहले एक बार अप्लाई है ग्रीन दोबारा फिर से आ गया, ठीक है। इसको अगर मतलब आपकी शेड जो है वो मल्टीपल टाइम आएंगी, ये देखिए ग्रीन पहले भी आगे भी यूज़ हुआ पड़ा है और एक बार इधर फिर रिपीट हो गया आपको, ठीक है। इसी तरह कोई और आप देखना चाहें मतलब मल्टीपल टाइम आपके कलर जो हैं वो शेड्स बनाएंगे इधर आके, ठीक है।
ये कलर जो रिपीट होंगे आपके बार बार, ये देखें 1 2 3, इधर आपके 4 कलर ही हैं 1 2 3 4, लेकिन इधर आके रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हमने वो रिपीट का दोबारा बता दें, ये कहाँ से आपने रेपिटेशन कहाँ से की है? रेपिटेशन की है, कलर्स हमने रिपीट किए हैं, पहले ये इस तरह सिंपल था, अभी मैं इसको वापस लेके जाता हूँ अपने सिंपल ग्रेडिंग की तरफ। ठीक है, हमारे पास ना कलर मिक्सिंग के डिफरेंट आ रहे हैं, ये देखिए डिफॉल्ट फाउंटेन फिल है जो अभी हमने यूज किया, जो आपको नजर आ रहा है स्टार्ट में किया था ना, वो कॉपी कर दिया था, वो वहाँ तक क्लियर था, ये जब आपने रेपिटेशन किया ना ये वाला पोर्शन में जो समझ नहीं आया। ठीक, वो भी बता देते हैं, अभी जो हम यूज कर रहे हैं जो आपको नजर आ रही है ये डिफॉल्ट फाउंटेन फिल, तो किसी एक लीनियर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर रिपीट एंड मिरर करें, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे अगर इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा करें किसी भी कलर की, अभी मैं ग्रीन की कर रहा हूँ, इसके लिए हमें इसको जूम करना पड़ेगा, ये आप कलर देख लें ग्रीन, मैं इसकी वैल्यू इधर से कम ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये लाइन सी शो हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम इसमें ना लाइनिंग सी हमें नज़र आ रही है, इफेक्ट आ जाता है ग्रेडियंट के अंदर ना कि बिल्कुल स्मूथ मिक्सिंग नहीं, इसमें लाइनिंग सकती है जो है ना नज़र आना स्टार्ट हो गए इधर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा करूँ तो लाइनिंग इफेक्ट इसमें नज़र आ रहे हैं, ये भी इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर जाएँ हम रिपीट के अंदर तो आपके कलर जो हैं वो रिपीट हो रेपिटेशन आ जाएगी उनमें। ठीक है, वो कैसे आएगी अभी हम इसको थोड़ा सा करते हैं जूम आउट। देखें ये आपका रेड आगे भी यूज़ हो रहा है इधर। ठीक है, ये इधर देखें तो आपकी जो बैक साइड है उधर भी आ गई है कलर रिपीट हो गए। ठीक है, वही कलर है बार बार वही आ गए। पहले क्या था, अगर सिंपल ग्रेडियंट लेना है तो उसमें रेड कलर लेके आना दो बार, तो हमें एक बार और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा कलर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये इफेक्ट यूज़ करें आप रिपीट का, आपके कलर जो हैं वही रहेंगे लेकिन बार बार यूज़ हो जाएंगे। इसकी मैं वैल्यू भी कम कर देता हूँ ताकि इसकी मिक्सिंग हो जाए और आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखें ये कलर इसमें रिपीट होंगे बार बार। ठीक है, जी इसको कम ज़्यादा करके देखें कलर रेपिटेशन इसमें आ जाएगी। ये इसको और कम करें, जी ठीक है, या वो कलर जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं इधर। ठीक है, कलर वही है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, हमने ऑप्शन जो है नीचे सेलेक्ट किया हुआ है, रिपीट एंड मिरर का वो आपने देख लिया हुआ है, रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन मिररिंग इफेक्ट जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको लाइनिंग सी नज़र आ रही है, कलर रेपिटेशन भी है और मिरर इफेक्ट भी है। ठीक है, इसी तरह इसको कम ज़्यादा करके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, मिरर इफेक्ट भी है और रेपिटेशन भी है कलर। ठीक है, ये था, इसके बाद आगे अगर देखें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसमें क्या है, और इसमें फ्री हैंड फ्री स्केल एंड क्यू का ऑप्शन है, फ्री स्केल एंड क्यू का, इसको अगर क्लिक करें तो जो आपको हैंडल नज़र आ रहा है ये ऊपर ये वाला गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस पर आप इफेक्ट ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसका करना चाहें यूज़ आप कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये ऑप्शन हमने देख लिया कलर रिवर्स वाली। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक सबको। टूल है एक आई ड्रॉपर टूल, ये भी काफ़ी आपका यूज होता है टूल जब आप कोई भी ग्राफिक्स वर्क कर रहे होते हैं। आई ड्रॉपर कलर पिकर है, ये कोई कलर पिकर है आपका। ठीक है, इसको अगर यूज़ करें आप एक बार ये क्लिक करें और इसको इधर लेके जाएं। ठीक है, ये आपका पिक करेगा सिंगल कलर, ये अभी मैंने जिधर क्लिक किया था उसने यहाँ से ब्लू कलर पिक कर लिया, इधर आगे मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह कोई और कलर है
वो अब ये येलो कलर है, मैं ये पिक करना चाह रहा हूँ। सॉरी, इधर भी ये हो गया, इसको एक बार ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करके दोबारा इसी तरफ आते हैं और इधर आप सेलेक्ट करते हैं। इधर कलर पिंक था पहले, इसलिए इधर भी इसने कलर कर दी। इसको पिक किया, एक बार इधर आके इसको ड्रैग कर दें। ठीक है, ये वाला इसी तरह कोई और कलर। ये आपको साथ साथ कलर शो भी कर रहा है इधर। ये देखिए येलो के ऊपर लेके आए हैं, आगे ग्रीन के ऊपर, ब्लू के ऊपर, रेड के ऊपर। ये भी रेड पिक कर लेते हैं इससे। ये ऊपर भी शो हो गया सिलेक्टेड कलर कौन सा, और इसको आप फिल करना चाह रहे हैं तो सिंपली इधर जो है आप कर दो पेस्ट। इसी तरह इसके नीचे आप देखें, जो आपने किस कोई सा भी कलर सिलेक्ट करना है पूरी अपनी विंडो से। चलें इसका भी देख लेते हैं, आईड्रॉपर का इसी के अंदर। ठीक है, यूज ऑफ ये जाने देते हैं इधर, इसके नीचे कर लेते हैं यूज ऑफ आईड्रॉपर टूल। ठीक है, इसी के अंदर कर लेते हैं। ये ग्रेडियंट का था बेसिकली टॉपिक, तो चले इसमें ये भी कवर कर लेते हैं आई ड्रॉपर का। वो आप देखिए पूरी विंडो से आप कोई सा भी कलर जो है सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है, वो आप इजीली जो है पिक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप लेके आए, इधर लेके आए माउस, आपको कोई सी भी जो शेप पड़ी है ये देखें, इधर से कलर पिक करना चाहें, इधर से करना चाहें। अभी हम इसके ही अपनी शेप से कर रहे हैं। ब्लू कलर में पिक किया और इधर आके सिंपली फिल कर दिए। ठीक है, ये अभी हमने अपने सॉफ्टवेयर से विंडो से कलर सेलेक्ट किए हैं, कलर पिक किए हैं। ठीक है, तो अगर कोई बाय से आप कलर लेके आना चाह रहे हैं, आपके पास कोई वेब पेज ओपन है, डेस्कटॉप पे कलर कॉपी करना चाह रहे हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। लेकिन अभी सीधा फिलहाल यही देखते हैं कि अपनी स्क्रीन से आप लोग कलर जो है वो कैसे पिक करना है। ठीक है, इसको एक बार छोड़ देते हैं, दोबारा पिक कर लेते हैं कोई सा भी कलर। ये अभी वाइट के ऊपर है, वाइट आपको शो कर देगा। ठीक है, ये बाउंड्री के अंदर अंदर ही आपको कलर दिखाएंगे, कोई जिसके ऊपर आप लेके जाएंगे साथ ही उसको नीचे कलर भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आप पिक कर सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा कि ग्रेडियंट जो है वो कैसे फिल करना है। इसके नीचे ही एक और कलर है एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर, इसको अगर क्लिक करें और ये आपकी शेप है। ठीक है, इसका कलर है, ये आपने पिक कर लिया, फिर इसको इधर आके एक बार क्लिक कर दें। कैसे, ये आई ड्रॉपर के नीचे दूसरा इसका है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को क्लिक करें, ये पहले ही हुआ पड़ा इसलिए इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। सॉरी, एट्रीब्यूट कलर है, इसको एक बार आप यहाँ पर दीजिए। देखें अभी आपको वो जो पहले नज़र आ रहा था बॉक्स कलर फिलिंग वाला, वो नज़र नहीं आता। इसको एक बार क्लिक कर लें, ये कलर फिल हो गए सारे इसके अंदर। तो इधर आके इसको एक बार जो लेफ्ट क्लिक है अपने माउस का वो कर दें, तो ये कलर सेम इधर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो जिस तरह ग्रेडियंट टूल के अंदर आपको हैंडल्स शो हो रहे थे, वो चीज़ें अभी इधर शो नहीं हो रही, सिर्फ सिंपल कलर फिल हो गया आपका। ठीक है, जो ग्रेडियंट टाइप का वो सारे के सारा इधर शो हो गया आपको। ठीक है, तो ये यूज था आई ड्रॉपर का, किसी भी जगह से आपका कलर पिक करने के लिए। कोई सा भी पहले सिंपल आई ड्रॉपर है, उसे एक कलर फिल हुआ, उसके बाद आगे वाला आपने देखा है उससे पूरा जो ग्रेडियंट टाइप था आपका वो काफ़ी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं। वेट 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 प्लीज़, वेट करें प्लीज़, आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैंने ना अभी बाइक से ये देखें आई ड्रॉपर लिया था, ऊपर से आ रहा था सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप। इसका मतलब है कि आप पूरी आप अपने सिस्टम से जो ओपन है विंडोज़ आपके पास, सारी विंडोज से आप कलर कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं बाइक गूगल से कलर ओपन किए हैं, मैं कोई सा पिक किया कलर पिक कर लिया और तो इसको अंदर आके ड्रॉप कर देता हूँ। अभी वो आपके पास शेयर नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊँ। अच्छा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर वो स्क्रीन भी आपके साथ शेयर हो जाए। अभी शेयर है, कौन सी स्क्रीन शेयर है अभी? अभी कोई भी नहीं है। अभी कोई भी नहीं है, पीछे से कोई कलर्स हैं काफी सारे। हाँ जी, वही वाला जी,
वही वाली, और साथ में ये भी आ रहा था। अच्छा ठीक है, ये मैंने सिंपल आई ड्रॉपर लिया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। आई ड्रॉपर लिया तो नीचे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो बाहर आप चले जाए जो कलर मैंने ओपन किए हुए थे। जिसका माइक ओपन है, आवाज आ रही है काफी सारी, वो काइंडली म्यूट कर लें। अच्छा ठीक है, ये बाहर से हमने ये वाला कलर जो है हमें एक नजर आ रहा है, ये मैंने कॉपी किया, ब्लू टाइप कलर है ये कॉपी किया, और इसको अपनी शेप के ऊपर आके ड्रॉप करूंगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। इसके ऊपर करूंगा ये फिल, इसके ऊपर करूंगा ये फिल, इसी तरह कोई और कलर करना चाह रहा हूँ डिफरेंट, मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों विंडोज आपको आ रही है नजर, पोर्टल वाली जरूर है ना। अच्छा ठीक है, इसी तरह ये ग्रीन कलर मैंने बाहर से क्लिक किया, एक बार इसके ऊपर क्लिक किया और आके अपनी जो हमारे पास है हमारा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर थ्रो कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये कलर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, ये है फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम डेस्कटॉप, आपके जितनी भी स्क्रीन है आपके पास विंडोज ओपन है कहीं से भी आप कलर फिल कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह दोबारा अगर इसको सिलेक्ट करें एक बार कलर आई ड्रॉप फ्रॉम डेस्कटॉप, ये देखें पूरा डेस्कटॉप जो आपको नजर आ रहा है किसी भी जगह से कोई सा भी आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाद बात ऐसे होता है कि आपका क्लाइंट जो है आपको एक डेमो या अपने फेवरेट कलर जो है वो कोई लिंक शेयर कर दे, या वैसे कह दे कि इस वेबसाइट से कॉपी कर लें, तो ये इसका यूज उधर होता है। ठीक है, या डिज़ाइन कर रहे हैं आपको ये बता रहा है कि ये मुझे कलर स्कीम चाहिए सारी की सारी, तो आप ये क्या करते हैं कलर पिक करके वन बाई वन अपने पास रख लेते हैं, या अगर आपने क्विक काम करना है तो आई ड्रॉपर लें उधर से कलर फिल करते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हम ये कर रहे हैं हमारे पास ये विंडो ओपन है, कलर लिया इधर आके फेंक दिया, उसके बाद नेक्स्ट गेम दोबारा कोई कलर लिया और इधर आके ड्रैग कर दिया। ठीक है, इधर आप जितने भी वेबसाइट पर कलर यूज़ हो रहे हैं वो भी आप इधर आके रख सकते हैं। इसी तरह थर्ड कलर यूज होना है, इधर से कोई कॉपी करना है ये वाला इधर आके खाएँ, ये बाहर से लेके आए कलिंग स्क्रीन जो किसी की कॉपी करना चाहें या कोई बाहर से कलर यूज़ करना चाहें ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका यूज आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये आई ड्रॉपर का यूज था, तो इसके दो तीन और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। ये है हमारे पास सैंपल दिया है कलर वाले टू टीजल, ये इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको जो है ना वैल्यूज कम ज़्यादा करके दिखाता है। इधर क्लिक करें, ये आपको ना शेड्स के अंदर थोड़ी सी वैल्यू लाइट ये डार्क लाइट लाइट है ये इस तरह से दिखाते हैं, मेरी वही आई ड्रॉपर ही। ठीक है, तो ये यूसा यूज ऑफ आई ड्रॉपर टूल, ग्रेडियंट को पहले हमने कॉपी किया, फिर बायो से कलर को कॉपी किया अपनी पूरी होम स्क्रीन से, फिर अपने लैपटॉप से जितनी भी विंडोज ओपन है उधर से कलर कॉपी किया, ग्रेडियंट को कैसे किया था आपकी भी आई ड्रॉपर। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट यूजेज हैं वो आप देख सकते हैं वन बाई वन। ठीक है, इसी तरह ग्रेडियंट का था, ग्रेडियंट के जरूर भी हमें नज़र आ रहे हैं ब्लेंडिंग लेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी इनमें जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी सिंपल कलर के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, ग्रेडियंट वाला कैसे करना है, ये आपके पास आई ड्रॉपर है उसके नीचे एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर आपको नज़र आ रहा है, उसको एक बार क्लिक कर लें तो सेलेक्ट कर लें, और ग्रेडियंट आपने करना है, ये ग्रेडियंट है आपके टेक्स्ट के ऊपर जो नज़र आ रहा है जो ग्रेडियंट टूल लिखा हुआ, इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये सारे कलर इसके अंदर फिल हो गए। अपनी इस शेप के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ तो एक बार आके सिंपली क्लिक करूँगा और ये ग्रेडियंट हो जाएगी। ठीक है सर, अगर अभी क्लिक हुआ हुआ है तो अगर हम दूसरी शेप में क्लिक करेंगे तो फिर हो जाएगा उसमें भी? हाँ जी, उसमें भी दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं, उसमें भी हो जाएगा। ये अभी ये वाला था, इसके अंदर कर दें, उसके अंदर कर दें, इधर कर दें, यहाँ पे भी आप करना चाहेंगे कर सकते। ठीक है जी सर।